Welcome to Nietzsche Classes. दोस्तों नमस्कार, मैं सानू रावत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नित्य क्लासेस में। और दोस्तों जैसा कि आप सभी ने जो मेरी पुरानी वीडियो देख ली होगी जिसमें कि मैंने आपको जो है सिंटैक्स का बिल्कुल बेसिक जो हमारा कंसेप्ट था, जो बिल्कुल बेसिक्स थे वो मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिए थे। तो चलिए दोस्तों आज मैं लेकर के चलता हूँ आपको हमारे सिंटैक्स के फर्दर कंसेप्ट पे, जिसमें कि हम आज सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा जो पूरा सिंटैक्स का कंसेप्ट है वो किस तरीके से बिल्ट हुआ है और किस तरीके से हम जो है सिंटैक्स पर दोस्तों अपनी पूरी कमांड कर सकते हैं और सिंटैक्स से रिलेटेड हमारी किसी तरह की कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए। देखिए दोस्तों जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिंटैक्स के, मैं आपको रूल्स बताऊंगा। जो मैंने आपको पुरानी वीडियो थी, पुरानी वीडियो में मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किए थे कि आखिरकार सिंटैक्स के बेसिक्स क्या होते हैं, किस तरीके से सिंटैक्स का जो हमारा टर्म है उसका यूज होता है और आखिरकार सिंटैक्स चैप्टर के अंदर हम पढ़ते क्या। लेकिन दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है मैं उसमें आपको बताऊंगा कि सिंटैक्स जो मेरा चैप्टर है आखिरकार इसके अंदर हमारे कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट रूल है कि जिनको अगर हम अच्छे से पढ़ लें तो हमारा जो एग्जाम है उसके अंदर हम सिंटैक्स से रिलेटेड या फिर अपनी सेंटेंस के अंदर वर्ब जो हमारी टर्म है वर्ब से रिलेटेड हमारा कोई भी कंसेप्ट या फिर कोई भी कंसेप्ट हमारा ना छूटे या फिर हमें किसी भी तरीके की दोस्तों कंफ्यूजन हमारी ना रहे। तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको लेकर के चलता हूँ हमारे सिंटैक्स के नेक्स्ट रूल की तरफ। देखो दोस्तों जो हम आज सबसे पहले रूल डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, हमारा सबसे पहला रूल कहता है कि जब भी कभी आपके किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो दोस्तों आपका बन जाए द प्लस एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला रूल है वो कहता है कि जब भी कभी आपके किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो आपका बन जाए द प्लस एडजेक्टिव। अब दोस्तों आपके माइंड में छोटा सा कंसेप्ट आ रहा होगा जी कि ये क्या कह दीजिए कि द प्लस एडजेक्टिव, ये तो कुछ आपने कुछ सही सी बात नहीं बताई। तो दोस्तों देखो होता क्या है, दोस्तों आप सभी एडजेक्टिव के बारे में तो जानते होंगे, एडजेक्टिव होती है दोस्तों हमारी क्वालिटीज। हालांकि मैं जो अपनी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम सिंटैक्स के बाद आर्टिकल कवर करेंगे और दोस्तों उसके बाद हम जो एडजेक्टिव पर ही पूरी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, मतलब आर्टिकल का एक एक जो हमारा एडजेक्टिव है उसका बिल्कुल एक एक पॉइंट मैं आपको बड़े अच्छे से क्लियर कर दूंगा। लेकिन दोस्तों अभी जो फिलहाल मैं आपको बेसिक जो एडजेक्टिव के बारे में बता देता हूँ जिससे आपको एडजेक्टिव से रिलेटेड सेलेक्ट करने में या फिर आपको रूल्स को पहचानने में दिक्कतें ना हो। देखो दोस्तों एडजेक्टिव आखिरकार होती क्या है, एडजेक्टिव हमारी होती है जी किसी की भी क्वालिटी। ठीक है दोस्तों एडजेक्टिव हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव हमारा होता है दोस्तों क्वालिटी, क्वालिटी मतलब गुण। अब दोस्तों किसी के अच्छे गुण हो या फिर किसी के बुरे गुण हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन ग्रामर के अंदर हमारे जितने भी गुण होते हैं, जितनी भी क्वालिटीज होते हैं दोस्तों उन सभी को आप ग्रामर की लैंग्वेज में बोल देते हैं एडजेक्टिव। ठीक है तो दोस्तों याद रखो अब जो हमारा रूल है वो ये कहता है कि जब भी कभी आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो आपका बने द प्लस एडजेक्टिव। ठीक है तो आपके जो आने वाली वर्ब होगी वो दोस्तों आपकी हमेशा होगी प्लुरल वर्ब। ठीक है दोस्तों जब भी कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा द प्लस एडजेक्टिव तो इसके साथ में आने वाली जो आपकी वर्ब होगी वो आपकी हमेशा होगी एक प्लुरल वर्ब। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि मैं आपको जो सिंटैक्स के रूल्स हैं उन्हें रटवाऊं ना, और मैं चाहता हूं कि वो पूरा आपको बिल्कुल कंसेप्ट मतलब एक एक चीज एक एक बेसिक्स मैं आपको जो बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर कर दूं। ठीक है दोस्तों तो आके देखो इसके पीछे वजह क्या होती है, कंसेप्ट पूरा है क्या समझना। दोस्तों देखो बात कर रहा था मैं एडजेक्टिव की, तो आप कोई भी एडजेक्टिव उठा लो दोस्तों, जैसे मैंने बात करी पुअर की। ठीक है हमने नॉर्मल सा अपना एक एडजेक्टिव उठाया वो है दोस्तों हमारा पुअर। अब पुअर का मतलब आप सभी जानते हैं दोस्तों क्या होता है, गरीब। ठीक है पुअर का मतलब दोस्तों नॉर्मल है, पुअर का मतलब होता है गरीब। लेकिन अगर आप इसी एडजेक्टिव के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे तो दोस्तों मीनिंग पूरा बदल जाएगा, बिल्कुल कंप्लीटली जो मीनिंग है मेरा चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, जैसे मैंने लिख दिया द पुअर दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा आपका नॉर्मली गरीब लोग। ठीक है दोस्तों जैसे ही आप इस एडजेक्टिव के पहले दाका यूज करेंगे तो इसका मतलब हो गया दोस्तों आपका गरीब लोग। तो जैसे ही आप गरीब लोग की बात करें इसका मतलब हो गया दोस्तों आपके जितने भी गरीब हैं आप उन सभी के बारे में बात कर रहे हैं इस बार। अब आप किसी एक गरीब की बात नहीं कर रहे, अब आप जितने भी गरीब हैं सभी को जो दोस्तों एक साथ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जैसे कि मैं और एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों, जैसे मैंने लिया ब्लाइंड। अब दोस्तों ब्लाइंड का मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है, अंधा। लेकिन अगर मैं कर दूं दी ब्लाइंड, अगर मैं दोस्तों यूज कर दूं दी ब्लाइंड तो इसका मतलब होता है दोस्तों आपके अंधे लोग। ठीक है दोस्तों जैसे ही आप इस ब्लाइंड के पहले दा का यूज करेंगे तो इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों अंधे लोग। मतलब अब जितने भी अंधे हैं आप जो सभी की एक बार में बात करना चाह रहे हैं या फिर आप जो सभी को एक बार में कवर कर रहे हैं
तो दोस्तों जब आपको पता चल गया कि हम यहाँ पर सभी की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आप जिस टर्म के बारे में बात कर रहे हैं प्लूरल है। भाई मैं बता तो रहा हूँ आपको कि जितने भी आप सभी की बात कर रहे हैं तो सभी तो दोस्तों कैसे आपके वो प्लूरल हो गए। और जब आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो दोस्तों आने वाली वर्ब भी आपकी हमेशा कैसी रहेगी, प्लूरल वर्ब रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जब भी कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा द प्लस एडजेक्टिव तो आने वाली वर्ब आपकी हमेशा होगी दोस्तों प्लूरल वर्ब, मतलब कभी भी आप इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि दोस्तों मैं एग्जांपल देता हूं आपको ताकि कि कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर हो सके। जैसे कि दोस्तों मैंने एग्जाम्पल लिया, हमने एग्जाम्पल लिया कि द ब्लाइंड इज या फिर आर अनेबल टू सी। ठीक है दोस्तों, कि जो अंधे लोग होते हैं वो देखने में असमर्थ होते हैं। अब आपने देखा द प्लस एडजेक्टिव बन रहा है सेंटेंस का सब्जेक्ट, दोस्तों इस कंसेप्ट में मतलब इस तरीके की कंडीशन में आप जो हमेशा वर्ब यूज करेंगे हमेशा यूज करेंगे प्लूरल वर्ब, तो दोस्तों हमेशा यहाँ पर आपका आएगा आर, कभी भी आप यहाँ पर जो है इज का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं और एग्जाम्पल देता हूँ आपको दोस्तों, मैंने लिया कि द रिच एक्सप्लोइट या फिर दोस्तों एक्सप्लोइट्स द पुअर। ठीक है दोस्तों, हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया कि द रिच एक्सप्लोइट या फिर एक्सप्लोइट्स द पुअर, कि जो अमीर लोग होते हैं वो गरीब लोगों का शोषण करते हैं। अब आपने देखा दोस्तों किसकी बात कर रहे, अमीर लोगों की, मतलब जितने भी अमीर आपने सभी को एक साथ कवर कर लिया, अब यहाँ आप किसी एक की बात नहीं कर रहे। ठीक है दोस्तों, तो जब आपको पता चला कि आप सभी की बात करें तो सीधी सी बात है सब्जेक्ट कैसा बन गया, प्लूरल बन गया, तो आने वाली वर्ब भी आपकी हमेशा कैसी होगी दोस्तों, आने वाली वर्ब भी आपकी हमेशा होगी प्लूरल वर्ब। तो दोस्तों आप यहाँ पर एक्सप्लोइट लाएंगे, एक्सप्लोइट्स का यूज कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको अपने जो बेसिक कंसेप्ट थे सिंटैक्स को उसमें बताया था कि जब भी कभी आप किसी भी मेन वर्ब में एस ऐड करते हैं तो जो आपकी वर्ब है दोस्तों वो बनेगी सिंगुलर। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप किसी भी वर्ब में एस ऐड करेंगे तो आपकी वर्ब बनते हैं सिंगुलर, और अगर आप किसी वर्ब में एस ऐड नहीं करते तो नॉर्मल सी बात है कि वो आपकी कैसी होगी, वो आपकी हमेशा रहेगी दोस्तों प्लूरल। तो अब आपने यहाँ पे प्लूरल वर्ब चाहिए थी तो हमने बिना एस वाली वर्ब लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का पहला कंसेप्ट। अब मूव करते हैं अपने आज के सेकेंड कंसेप्ट पे। देखो दोस्तों, अब जो मैं बात करने वाला हूं, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि जब भी कभी आपका जो दोस्तों सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जब भी कभी दोस्तों आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट किसी भी टाइम को, किसी भी वेट को, किसी भी अमाउंट को या फिर किसी भी डिस्टेंस को शो करे। ठीक है, देखो दोस्तों मैं लिख देता हूं कि जब भी कभी आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट किसी भी टाइम को, किसी भी वेट को या फिर किसी भी अमाउंट को या फिर किसी भी तरह के डिस्टेंस को शो करेगा, ठीक है दोस्तों, तो आने वाली जो आपकी हमेशा वर्ब होगी वो दोस्तों आपकी हमेशा होगी एक सिंगुलर वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो आने वाली वर्ब जो आपकी होगी वो आपकी हमेशा होगी एक सिंगुलर वर्ब। अब ऐसा क्यों होगा, इसका रीजन समझिए। देखो दोस्तों, टाइम, वेट, अमाउंट, डिस्टेंस, ये सभी जो आपके नाउन होते हैं ये हमेशा होते हैं दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन, और आपको पता है कि हर एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ आने वाली वर्ब हमेशा होती है दोस्तों सिंगुलर वर्ब। तो इसी बेसिस पे ये सारे के सारे जो मेरे नाउन है ये सारे के सारे दोस्तों हमारे अनकाउंटेबल नाउन, तो इसी वजह से जो हमारे आने वाली वर्ब है वो भी आपकी हमेशा होगी दोस्तों सिंगुलर वर्ब। अब दोस्तों एक चीज याद रखना कि इनकी जो यूनिट्स होती हैं, मतलब जैसे हमारा टाइम है, अब टाइम की दोस्तों यूनिट क्या होगी, हमारी मिनट हो गई, आवर हो गई, आपकी सेकंड हो गई, तो ये हमारी यूनिट हुई, तो इनकी जो यूनिट है दोस्तों ये हमारी काउंटेबल होती है, बट जो अपने आप में टाइम है वो अपने आप में हमेशा होता है अनकाउंटेबल नाउन। अब अगर इनकी यूनिट को सेंटेंस के अंदर यूज किया हुआ है, भले ही वो सिंगुलर हो प्लूरल हो ये मैटर नहीं करता, आप हमेशा इनके साथ में आने वाली जो वर्ब होगी, आप जो वर्ब यूज करोगे वो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। जैसे दोस्तों मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला कि 50,000 इज या आर अ बिग अमाउंट टू अर्न इन अ डे। ठीक है दोस्तों, हमने एग्जांपल लिया कि 50,000 इज अ बिग अमाउंट टू अर्न इन अ डे, कि 50,000 की जो राशि है वो एक बड़ी राशि है एक दिन में कमाने के लिए। अब दोस्तों आपने देखा 50,000 अपने आप में क्या है, एक अमाउंट है दोस्तों, एक रकम है, आपको रकम का आप अमाउंट ही तो बता रहे हैं,
तो दोस्तों ये जो आपका दाल सेंट है इसके साथ में आने वाली वर्ब हमेशा होगी दोस्तों आपकी सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ मत सोच लेना कि जी तो 50 है 50 है, तो अब 50 है तो सीधी सी बात आपके दिमाग में जा रहा होगा कि जी दो को छोड़ के जितने भी होते हैं सब प्लूरल है। नहीं जी ऐसा कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर आपका है जरूर प्लूरल लेकिन ये है क्या, ये अपने आप में एक अमाउंट है। तो याद रखो कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा नाउन, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो किसी भी टाइम को, वेट को, अमाउंट को या फिर डिस्टेंस को शो करेगा तो उसके साथ में दोस्तों आने वाली वर्ब आपकी हमेशा होती है सिंगुलर वर्ब। दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं, मैंने लिया कि 20 किलोमीटर्स इज या आर 20 किलोमीटर इज या आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू ट्रेवल इट बाय साइकिल। ठीक है दोस्तों कि 20 किलोमीटर की जो दूरी है एक लंबी दूरी होती है साइकिल से तय करने के लिए। अब दोस्तों आपने चला, आपने देखा सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर कहने को तो जी 20 है और 20 है तो अपने आप में प्लूरल है, लेकिन 20 किलोमीटर दोस्तों है क्या, अपने आप में क्या डिस्टेंस है। तो जैसे ही आपका कोई भी सब्जेक्ट टाइम को, वेट को, अमाउंट को या फिर डिस्टेंस को शो करेगा तो आने वाली वर्ब दोस्तों हमेशा होगी सिंगुलर वर्ब। याद रखिएगा काफी फंसा देता है हमारा रूल, जब भी कभी एग्जाम के अंदर आएगा तो आपको लगेगा कि जी तो 20 की बात कर रहा है तो जी प्लूरल वर्ब चाहिए। नहीं जी है जरूर आपको दिखने में लग रहा है प्लूरल लेकिन ये आखिरकार है क्या, ये अपने आप में एक डिस्टेंस है। तो दोस्तों याद रखो कोई भी ऐसा सेंटेंस का सब्जेक्ट जो टाइम को, वेट को, अमाउंट को, डिस्टेंस को शो करेगा तो आने वाली वर्ब आपकी हमेशा होगी सिंगुलर वर्ब। तो दोस्तों इसमें भी आप क्या यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, कभी भी जो है आप आर का यूज नहीं करेंगे। तो दोस्तों आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको सीधा लेकर के चलता हूं हमारे उन कंसेप्ट की तरफ जिनसे कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर जिनमें की जो हमारा एग्जामिनर उनसे आजकल फ्रीक्वेंटली जहां से जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों अब जो हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट, अब हमारा जो कंसेप्ट दोस्तों वो है हमारा एंड और ओर। ठीक है देखो दोस्तों पहले समझ लेना फिर इसके बाद क्लियर करूंगा। पहले हो गया मेरा एंड और एक कंसेप्ट दोस्तों मेरा ओर। दोस्तों मोस्टली बच्चे मैंने ऐसे नोटिस किए हैं अपने उसमें कि बच्चे पूरा सिंटैक्स पढ़ के चले जाते हैं, बच्चे ने पूरी ग्रामर कंप्लीट कर ली लेकिन जी उसे एंड का और का डिफरेंस नहीं पता। अब दोस्तों इसमें होता क्या है, आपके साथ ये ना हो तो मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। ठीक है दोस्तों बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपके लिए यूज करता हूँ जिससे कि कोई भी मेरा भाई या कोई भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है उसे किसी तरीके की लैंग्वेज के रिगार्डिंग दिक्कत ना आए कि सर ने तो इंग्लिश यूज कर दी या फिर सर ने तो नॉर्मल हमारी लोकल लैंग्वेज यूज करी कि जिससे कि मुझे जो क्लियर नहीं हुआ। तो दोस्तों आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा जिससे आप कभी भी से ना भूलें। देखो दोस्तों जो मेरा एंड होता है इस एंड की हिंदी की बात करो पहले, इसकी हिंदी होती है दोस्तों ओर, और जो मेरा ओर है इसकी हिंदी होती है दोस्तों या। ठीक है जो मेरा एंड है इसकी हिंदी होती है और जो मेरा ओर है इसकी हिंदी होती है या। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो दोस्तों डिफरेंस किसी भी चीज का सीखने से पहले अगर हम उसकी सिमिलरिटीज को सीख लें तो कहीं ज्यादा इजी हो जाता है उसके बीच में डिफरेंस करना। तो देखो दोस्तों सबसे पहले इनके सिमिलर टर्म है कि इन दोनों ही कंजंक्शंस का यूज किन्हीं भी दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब बात हमें पता चली कि किन्हीं भी दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए करा जाएगा लेकिन आखिरकार उन दोनों सब्जेक्ट का यूज किस वे में किया जाता है वो डिपेंड करेगा कि उन दोनों सब्जेक्ट को आप एंड से जोड़ रहे हो या फिर और से जोड़ रहे हो। जैसे कि अगर दोस्तों मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, मैंने लिया राम एंड श्याम वर प्ले। ठीक है दोस्तों मैंने एग्जांपल लिया कि राम एंड श्याम वर प्ले, कि राम और श्याम खेल रहे थे। अब आपने देखा कि दोनों सब्जेक्ट है, राम भी अपने आप में अलग सब्जेक्ट है और श्याम भी अलग सब्जेक्ट है, जुड़ किसके साथ रहे, एंड के साथ। दोस्तों याद रखो जब भी कभी आपके कोई भी दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ेंगे तो उनका मतलब ये है दोस्तों कि दोनों ही सब्जेक्ट की आप बात कर रहे हैं, मतलब आप दोनों को यूज कर रहे हैं। ठीक है मतलब जिन दोनों टर्म्स की आप बात करें जिनको आपने एंड के साथ यूज करा उन दोनों को ही हम जो आगे अपने सेंटेंस के अंदर उनके बारे में बात करने वाले हैं, उन्हीं का जो हम दोनों का यूज करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं यही वाला कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज कर देता और मैं यहीं पर जोड़ देता दोस्तों इसे और से, जैसे कि मैं कह देता कि राम और श्याम, तो दोस्तों फिर मैं लिखता इसे वाज प्लेइंग। अब मैंने ये क्या किया, अब इसे समझो दोस्तों, राम और श्याम मतलब राम या श्याम खेल रहा था। ठीक है
अब आपने देखा कि राम या मतलब या तो राम था या श्याम था, लेकिन दोनों एक टाइम पे नहीं थे दोस्तों, लेकिन जब एंड था तो एंड में क्या था कि राम भी था श्याम भी था, मतलब दोनों एक साथ खेल रहे थे, लेकिन जैसे राम और श्याम कर दे तो इसका मतलब है या तो राम खेला या फिर श्याम खेला, लेकिन दोनों एक साथ नहीं खेले। दोस्तों क्लियर हुआ होगा, जब भी कभी एंड और का कंसेप्ट आए तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कभी एंड की बात आएगी तो आप जिन दोनों टर्म्स को एंड के साथ जोड़ रहे हैं उन दोनों की आप बात करेंगे, और जब भी कभी और की बात आएगी तो और में आप जिन दोनों टर्म्स को आप और के साथ जोड़ रहे हैं बात आप उनमें से किसी न किसी एक की करेंगे। तो दोस्तों आई होप क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल में कि जिसमें कंसेप्ट है क्या, किस तरीके से क्या बात इनके साथ हमारी होने वाली है। देखो दोस्तों पहले मैं एक एक को डिस्कस करूंगा, तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी और के बारे में और दोस्तों फिर सारी बात कर लेंगे एंड के बारे में। देखो दोस्तों जब भी कभी बात आती है और की, ठीक है, जब भी कभी दोस्तों हम बात करते हैं और की, तो कभी भी आप और को अकेला मत पढ़ो। अगर आप अकेला पढ़ोगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा और रिजल्ट हमारे बराबर रहेंगे, और अगर दोस्तों हम और के साथ और भी कई सारी कंजंक्शन को पढ़ लें तो हमारा टाइम भी उतना ही लगना है और रिजल्ट ज्यादा आएंगे। जैसे देखो दोस्तों एक तो हमारा होता है और का मतलब होता है आपका या, ये दोस्तों इसी का छोटा भाई होता है नोर, इसे बोल देते हैं दोस्तों हम ना, ठीक है, और एक इन्हीं का पड़ोसी होता है दोस्तों आइदर और, इसका मतलब होता है दोस्तों आपको या तो या, और दोस्तों इन्हीं का और दूसरा पड़ोसी होता है वो होता है हमारा नाइदर नोर, ठीक है दोस्तों, इन्हीं का दूसरा पड़ोसी कौन हो गया नाइदर नोर, इसका मतलब हो गया दोस्तों आपका ना तो ना, ठीक है। अब इन चारों का जो कंसेप्ट है, इन चारों का जो यूज है दोस्तों बिल्कुल सेम होता है, बस फर्क क्या है कि और का और आइदर और का तो होता है पॉजिटिव सेंस में यूज, और नोर का और नाइदर नोर का यूज होता है दोस्तों नेगेटिव सेंस में, ठीक है दोस्तों, क्लियर करता हूं। तो देखो जैसे जब भी कभी और का यूज होगा तो इसका मतलब है कि या तो ये या ये, ठीक है, जैसे राम और श्याम मतलब राम या श्याम खेल रहे हैं, अगर नोर आ गया तो मतलब हो गया राम ना ही श्याम खेल रहे हैं, आइदर और आ गया मतलब या तो राम या श्याम, बात दोनों में से बिल्कुल सेम बात हुई है, और में और आइदर और में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस फर्क क्या है कि दोस्तों आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो आपका बस चेंज हो जाएगा, ठीक है, आपने जो कहने का तरीका है वो बदल जाए लेकिन बात आप वही कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। जब बात आएगी नाइदर नोर की तो इसका मतलब कि ना तो राम ना ही श्याम, मतलब जिन दोनों चीजों के बारे में आप बात कर रहे हो उन दोनों में से आप किसी को भी यूज करने को तैयार नहीं है, मतलब जिन दोनों टर्म्स की बात करी उन दोनों में से आपको कोई भी मौके पर नहीं मिला, एक्स वाई जेड कुछ भी कंडीशन रही, लेकिन आपने जिन दोनों को लिया उनमें से आपको किसी का भी यूज नहीं करना, तब आप यूज करते हैं नाइदर नोर का। अब दोस्तों कंसेप्ट समझना कि जब भी कभी आपके कोई भी दो सब्जेक्ट, मतलब आपका सब्जेक्ट फर्स्ट, ठीक है, और फिर आपका आ गया और नोर, या फिर दोस्तों आपका आइदर और, या फिर आपका आ गया दोस्तों नाइदर नोर, ठीक है दोस्तों, समझना कि जब भी कभी आपके कोई भी दो सब्जेक्ट आपके और नोर आइदर और नाइदर नोर के साथ जुड़ रहे हो तो जो आप हमेशा वर्ब यूज करेंगे, जो दोस्तों आप हमेशा वर्ब का यूज करेंगे, हमेशा आप लेकर के आएंगे अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। दोस्तों समझना जब भी कभी आपके कोई भी दो सब्जेक्ट और नोर आइदर और नाइदर नोर के साथ जुड़ रहे हो तो जो दोस्तों आप वर्ब का यूज करेंगे आप हमेशा यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, मतलब आपके वर्ब के जो सब्जेक्ट ज्यादा पास आ रहा है आप उसके अनुसार जो वर्ब का यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि आप सिंगुलर ही लाएंगे प्लुरल ही लाएंगे, नहीं जी, आपको हमेशा नोटिस करना क्या है कि जो सब्जेक्ट आपके वर्ब के ज्यादा करीब है ज्यादा पास है आप उसके अनुसार वर्ब यूज करेंगे। तो दोस्तों याद रखो कि जो वर्ब है वर्ब किसके अनुसार आएगी अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट, ठीक है दोस्तों। अगर आप नियरेस्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे तो आपको जो कभी किसी तरीके की कोई भी दिक्कतें और नोर आइदर और नाइदर नोर के साथ मतलब इस कंसेप्ट में आपको कोई दिक्कतें नहीं आने वाली। जैसे कि एग्जांपल देता हूं पूरा कंसेप्ट आपको बड़े अच्छे से भी क्लियर हो जाएगा। देखो दोस्तों मैंने एग्जांपल लिया नॉर्मली कि अभी देखते हैं दोस्तों, देखो हमने टर्म नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों बिल्कुल सबसे पहले इजी सा। जैसे दोस्तों देखो मैंने एग्जांपल लिया कि आइदर आइदर राम और हिज फ्रेंड्स वाज यावर प्लेइंग, ठीक है दोस्तों, हमने बिल्कुल नॉर्मल सा एग्जांपल लिया कि आइदर राम और हिज फ्रेंड्स वाज यावर प्लेइंग, कि या तो राम या उसके दोस्त जो खेल रहे थे। तो दोस्तों आपने देखा भाई दो सब्जेक्ट है मेरे, एक राम है और एक मेरा हिज फ्रेंड्स है, जुड़ किसके साथ गए आइदर और के साथ जुड़ गए। तो दोस्तों जो आप यहां पर वर्ब यूज करेंगे नियरेस्ट अकॉर्डिंग आती है। अब मेरी वर्ब क्या है दोस्तों वाज यावर, अब इसके ज्यादा पास में कौन है दोस्तों हिज फ्रेंड्स,
ठीक है, वर्ब के जाते पास कौन आ रहा है, हिज फ्रेंड्स आ रहा है, तो जब वर्ब यूज करेंगे दोस्तों वो हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग लाएंगे, ना कि राम के अकॉर्डिंग, या कि आप मतलब कह सकते हैं कभी भी आप फर्स्ट या सेकंड सब्जेक्ट नहीं देखेंगे, आप देखेंगे जो सब्जेक्ट जो है मेरी वर्ब के ज्यादा पास आ रहा है, ज्यादा करीब है, उसी के अनुसार आपकी वर्ब आएगी। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या है दोस्तों, हिज फ्रेंड्स है, तो हिज फ्रेंड्स के कंसेप्ट में आप क्या यूज करेंगे, वर्ब लाएंगे, क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे प्लूरल आ रहा था, हिज फ्रेंड्स था, ठीक है, तो जो हमारी वर्ब आई वो भी आई दोस्तों आपकी प्लूरल। जैसे कि और एग्जाम्पल देता हूं, मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया कि नाइदर ही नोर यू हैज या फिर हैव कंप्लीटेड द टास्क, ठीक है दोस्तों। मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया कि नाइदर ही नॉर यू हैज या हैव कंप्लीटेड द टास्क, ना ही तो उसने ना ही तुमने जो अपना टास्क कंप्लीट किया। अब दोस्तों आपने देखा कि फिर से हमारे दो सब्जेक्ट किसके साथ जुड़ गए, नाइदर नोर के साथ, तो दोस्तों आप वर्ब से देखिए वर्ब के ज्यादा करीब कौन सा है, तो वर्ब के दोस्त ज्यादा करीब कौन आ रहा है, हमारा यू आ रहा है, तो जो वर्ब आएगी वो भी दोस्तों आपकी आएगी यू के अकॉर्डिंग, तो यू के साथ आपके दोस्तों कैसे आएगी, यू के साथ आप हैव का यूज करेंगे, कभी भी आप हैज का यूज नहीं करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको जो क्लियर हो गया होगा, हमेशा याद रखें जब भी कभी आपके कोई भी दो सब्जेक्ट कहीं पर भी और नोर आइदर और नाइदर नोर के साथ जुड़ रहे हो, तो आपको हमेशा जो उसके साथ में वर्ब का यूज करना है आप हमेशा लाएंगे अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो दोस्तों आई होप आपको ये और वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, बस एक बात याद रखना कि अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, बस ये अगर आपने नियरेस्ट सब्जेक्ट वाली बात याद रख ली तो आप कभी भी एरर मतलब सेंटेंस के अंदर जो किसी तरीके के एरर को भी नहीं छोड़ने वाले और आप हर तरह के कंसेप्ट को डील कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं और के बाद में एंड की, क्योंकि दोस्तों हमने एंड और का कंसेप्ट पढ़ रहे थे, तो अब हमने और तो पढ़ लिया, अब दोस्तों बात करता हूं किसके बारे में, एंड के बारे में। देखो दोस्तों हमेशा याद रखो जब भी कभी बात होगी एंड की, तो आपको पता है कि दोनों टर्म्स की बात हो रही है जी, मतलब जिन भी दो सब्जेक्ट को मैंने एंड के साथ जोड़ा आप उन दोनों ही सब्जेक्ट के बारे में बात करने को तैयार है, या फिर आप उन दोनों ही सब्जेक्ट का जो यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों जब आपको पता चल गया कि उन दोनों ही सब्जेक्ट का यूज हो रहा है, तो सीधी सी बात है जी दो सब्जेक्ट हो गए, करने वाले कितने हो गए, दो हो गए। अब जब दो हो गए तो दोस्तों हमारा दो सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, आप सभी को पता है जी प्लूरल होता है, तो आने वाली वर्ब दोस्त हमेशा याद रखना वर्ब आएगी प्लूरल, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं इसमें, अब वो कंडीशंस क्या उनको मैं अलग अलग बताऊंगा, लेकिन पहले अपना बेसिक समझ लीजिए दोस्तों। देखो बेसिक ये कहता है कि जब भी कभी आपका सब्जेक्ट फर्स्ट मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट प्लस आपका सेकंड सब्जेक्ट मतलब कोई भी आपके दोस्तों दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं एंड के साथ, तो जो इनके साथ में आने वाली वर्ब होगी दोस्त हमेशा आएगी आपकी प्लूरल वर्ब, ठीक है दोस्तों। क्यों आई, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि जब भी कभी एंड के साथ आप जिन दो सब्जेक्ट का यूज करते हैं तो आप उन दोनों की बात करते हैं, उन दोनों को हम जो फर्दर कंसेप्ट के लिए या फिर फर्दर कुछ भी टर्म के लिए हम दोनों का यूज करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, मैंने एग्जांपल लिया कि राम एंड श्याम इज या आर प्लेइंग विद ईच अदर, ठीक है दोस्तों, कि राम और श्याम एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। अब आपने देखा राम भी खेल रहा है श्याम भी खेल रहा है, तो जुड़ किसके साथ के दोनों सब्जेक्ट में एंड के साथ, तो दोस्तों आने वाली जो आपकी वर्ब होगी वो आपकी हमेशा होगी दोस्तों कैसी वर्ब, प्लूरल वर्ब, कभी भी आप इस कंसेप्ट में जो सिंगुलर वर्ब का यूज है नहीं करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों मैं कुछ भी ले सकता था कि ही और हिज फ्रेंड्स, मतलब आप कोई भी ऐसे सब्जेक्ट उठा लाओ जो आपके कोई भी दो सब्जेक्ट हैं, तो अब आपको वो चीज नहीं देखनी कि आपके सब्जेक्ट तो सिंगुलर है प्लूरल है, कैसे भी सही दोस्तों आपके सब्जेक्ट वर्ब आपकी हमेशा जो आपकी वर्ब आएगी वो आपकी होगी प्लूरल वर्ब। जैसे कि ही वाज हिज फ्रेंड आ गया, अब मैं यहां पर ले लूं वाज या फिर वर और दोस्तों आगे में कुछ भी ले लूं, ठीक है आगे हमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम उसे डील कर लेंगे। अब आपने देखा जी ही है पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट इज फ्रेंड से जुड़ किससे रहे हमारे एंड से, तो दोस्तों इस तरीके के कंसेप्ट में जब भी कभी आपकी कोई भी दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े तो दोस्तों हमेशा आपकी वर्ब आने वाली है प्लूरल वर्ब। तो दोस्तों आई होप आपको जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा एंड का भी, हमेशा याद रखना एंड में हम दोनों की बात करते हैं, जब दोनों की बात करेंगे तो सब्जेक्ट में हो जाएंगे दो, और जब सब्जेक्ट दो हो जाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट बन गया प्लूरल, और जब दोस्तों सब्जेक्ट प्लूरल बन गए तो आने वाली वर्ब भी आपकी हमेशा होगी प्लूरल। तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा आपको एंड और का कंसेप्ट, लेकिन दोस्तों एंड में छोटा सा कंसेप्ट और है, हल्का सा कह सकते हैं इसी के अंदर से कंसेप्ट के अंदर से कंसेप्ट बनाया हुआ है, उसे और समझो दोस्तों। देखो अगर एंड के साथ में कोई भी दो नॉर्मल सब्जेक्ट जुड़े तो वर्ब आ गई हमारी सीधा सीधा प्लूरल, लेकिन अगर एंड के साथ आपकी कोई भी दो नंबर्स मतलब कोई भी दो फिगर्स, कोई भी दो आपके टर्म्स मतलब जो नंबर होती हैं
डिजिट्स जुड़ गई तो दोस्तों आप हमेशा याद रखना आने वाली वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। कैसे वाला, जैसे मैं कह सकता हूं कि आपका कोई भी नंबर फर्स्ट है और फिर दोस्तों आपका एंड आया और फिर आपका आ गया नंबर सेकंड। अब दोस्तों नंबर का मतलब आप यहां समझ रहे होंगे, नंबर का मतलब है यहां पे फिगर्स, ठीक है। फिगर्स का मतलब दोस्तों जैसे कि हम बता सकते हैं 1, 2, 3 ये वाली टर्म्स, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपके कोई भी दो नंबर्स जुड़ते हैं एंड के साथ तो जो हमारी आने वाली वर्ब होगी दोस्तों वो आपकी हो जाएगी सिंगुलर वर्ब, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने लिया 5 and 6, 5 and 6 मेक या फिर मेक्स 11, ठीक है दोस्तों। मैंने एग्जांपल लिया कि 5 and 6 मेक या फिर मेक्स 11। अब आपको पता है कि मेरा 5 अपने आप में क्या है, नंबर, 6 अपने आप में क्या है, दूसरा नंबर। दोनों नंबर जुड़ किसके साथ गए दोस्तों, एंड के साथ। तो इस तरह के कंसेप्ट में जब भी कभी आपके कोई दो नंबर जो एंड के साथ जुड़े तो जो आपके आने वाली वर्ब होगी दोस्तों वो सिंगुलर होगी। क्यों होगी, क्योंकि दोस्तों जो जुड़ करके हमारा जो नया नंबर बना वो भी तो अपने आप में एक नंबर था, नेचर चेंज कहाँ हुई, जैसा पहला भी हमारा नंबर था दूसरा भी नंबर था, दोनों को हमने मिला दिया तो तीसरा भी जो बना वो भी तो हमारा नंबर ही है, ठीक है दोस्तों। तो आप याद रखें जब भी कभी कोई भी दो नंबर जुड़ेंगे तो वर्ब आएगी सिंगुलर, तो दोस्तों आप यहाँ पर लेंगे मेक्स, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ 2 and 2 become या फिर आपका becomes 4, ठीक है, कि 2 और 2 4 बनाते हैं, 4 होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा क्या आएगा दोस्तों, आप becomes आएगा, कभी भी आप जो become का यूज नहीं करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको एंड का कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों आपको आप भी किसी तरीके का डाउट रहता है तो करिए मुझे कमेंट, मैं आपको जो कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और आपकी हर तरीके के डाउट्स जो है, हर तरीके की जो आपको कन्फ्यूजन है, आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तो दोस्तों नित्या क्लासेस के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए कुछ ना कुछ बेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। हम चाहते हैं कि आपकी हर एक परिस्थिति में आपकी मदद की जाए। चलिए तो दोस्तों जुड़े रहिए नित्या क्लासेस के साथ, और मैं आपको जो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जिसमें कि मैं आपको सिंटैक्स के जो हमारे बचे हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनके साथ मैं आपको फिर से हाजिर होऊंगा। तो चलिए दोस्तों तब तक जुड़े रहिए नित्या क्लासेस के साथ, चलिए बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।